दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप सिंह। ये है मेरा गांव चपौटा, मेरो गांव चपौटा। गांव की सबसे ऊंची छत पर मैं खड़ा हूं। अब मेरे गांव को सीन देखो आप। तो ये मौड़ी जो है वो छत पे बैठी हुई है, कब से बात कर रही है, और छत पर कपड़ा सूख रहे हैं और छत पे अनाज भी यहाँ बहुत सारा रखा हुआ है। देखो यार, घर में तो पेड़ यूकेलिप्टस का पेड़ हरा है, और ये बगल वाले घर में जो है दावत चल रही है। देखो ये दावत की तैयारी चल रही है, दावत खा रहे हैं लोग बैठ के। देखो देखो ये दावत चल रही है घर में, हाँ पंडाल बना हुआ है, यहाँ दावत चल रही है, बहुत शानदार। देखो देखो ये सब्जी बन रही है, सब्जी में मसाला डालना है भाई साहब। और यह सबका पेड़ है, पीछे खेत है, और ये सामने आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये है गांव को तालाब। ये देखिए, ये गांव को तालाब दिखाई दे रहा है उसमें। हाँ देखो पेड़ से ढका हुआ है ये, और यह पेड़ या तालाब के आसपास पहले बहुत पेड़ है, अब मुझे पेड़ कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे पेड़ कम है गए। और तालाब बहुत दूर हो गाँव से, अब तालाब गाँव के बहुत पास आया हुआ है। तो तालाब तो वहीं है, गांव तालाब की तरफ जा रहा है बार बार। नए नए जनसंख्या बढ़ रही है, तो नए नए घर बन रहे हैं, तो क्या खेत घर में बदलते जा रहे हैं। देखो ये कहा था, गाँव के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग है, गाँव के चारों तरफ आप गाड़ी लेके कार लेके जा सकते हो, और गाँव में स्कूल भी है, अच्छा ग्रामीण सचिवालय बन गया, बहुत बढ़िया बात है ये तो। और झंडा लगाओ, पशु चिकित्सालय गाँव में, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो हमारे साथ हैं वेद प्रकाश शास्त्री जी, जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनसे पूछते हैं गांव के बारे में। भाई साहब चलते हैं, ये बताओ, ये चौमुआ से गांव के लिए आते हैं तो कौन कौन से गांव पड़ते हैं? चौमुआ से जब आप चलोगे तो बाएं हाथ पर टेहरा नाम का गांव पड़ेगा, हाँ, और दाएं हाथ पर कदौली का पड़ेगा। अच्छा, थोड़े रास्ते से 100 मीटर 150 मीटर दूरी पर है। उससे आगे जब आओगे तो आप नंगला रोडा पड़ेगा। अच्छा, और नंगला रोडा में होते हुए चपौटा के लिए रास्ता है। अगर आप सीधे चले जाओगे तो हेबतपुर, हाँ, और फिर इजतपुर नगरिया, हाँ, खेराबाद होते हुए गाजीपुर होते हुए बरला को निकल जाओगे, बरला निकल जाएंगे। अतरौली से आवे तो है, अतरौली से आवे गांव की तरफ तो अतरौली से आएंगे आप तो पहले बैरावत पड़ेगा, हाँ, और बैरावत से बम्बा होते हुए चपौटा आ जाएगा। तो पहले बैरावत में हम जाते हैं, गाँव से अतरौली के बैरावत होते हुए, तो बीच में बाग पत्तो, पहले जो रास्ता थी वो गांव के बीच में हो गई थी, हाँ, एक बाग पड़ता बीच में, हाँ बाग पड़ता था, वो बाग कट गए बाग। अच्छा, नए बाग लग गए, पुराने कट गए। बाग है अभी, हाँ, पुराने नए बाग हैं, पुराने तो कट गए। ठीक है, अब जो अब सीधा रास्ता हो गया मोरहली से। अच्छा, मोरहली से जो बम्बा है, हाँ हाँ, बम्बा पर होते हुए आप सीधे चले जाएंगे तो वहीं पहुंच गए आगे। अच्छा, तक बम्बा सीधा निकलता है। बताओ गाँव में किन किन कामन की जरूरत है, काका है वो काका और होना चाहिए गांव में? एक तो परिक्रमा मार्ग की कमी है, परिक्रमा तो बना हुआ है जी, सीढ़ है पूरी तरह। अच्छा जीर्ण, ठीक है, ठीक द्वारा बनना चाहिए, हाँ। जो में ईंट बिछी हुई है, खरंजा टाइप है, हाँ खरंजा टाइप, ठीक है, ये सब पक्का बन जाए। और हाँ, थोड़ा अगर स्वास्थ्य की कोई सुविधा हो जाए तो। अभी लोग कहाँ जाते हैं? अभी तो अतरौली CSC पे जाते हैं, अतरौली जाते हैं यहाँ सामान्य मर्ज के लिए। नंगला है कोई स्वास्थ्य केंद्र? नहीं, यहाँ अहमदपुर में न, बैरावत में न, गन्यावली में भी नहीं है। अच्छा, केवल वहाँ हैदरपुर में, वो उसमें खेराबाद में तो जो यहाँ इन गाँव के बीच में कहीं न कहीं एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। हाँ जी, सड़कें सब बढ़िया बनी है, गाँव के अंदर की, पीने का पानी ठीक है, पाइपलाइन बिछी हुई है या नहीं? अभी कुछ नहीं है, अपना इंतजाम कर रखा लोगों ने, लेकिन ऊपर का पानी दूषित होता जा रहा है। प्रधान लक्ष्मण सिंह है, गांव में खरंजा बनना चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए, शौचालय है लेकिन आधे बने हैं, आधे गांव में नहीं बने हैं, लोगों ने बनवाया नहीं है। क्या है, कुछ लोगों ने बनवाए भी नहीं बताते हैं, कुछ लोगों को भी सुविधा मिल नहीं पाई है। तो सरकार तो पैसे दे रही है, सबको दे रही है पैसा, हाँ प्रधानमंत्री सबको पैसा दे रहे हैं, बनना चाहिए गाँव में। तो गाँव में हरियाली सब बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है हमें, पहले की अपेक्षा ज़्यादा हरियाली है। अच्छा चलो, सब बहुत बढ़िया है।